Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. यार क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है या मेरे ही साथ हो रहा है? आई थिंक दैट कॉमन प्रॉब्लम है कि जब हम कभी भी अपने बॉडी पार्ट को ऐसे टच करते हैं तो एक स्टैटिक करंट टाइप सा लगता है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आजकल ये जो ड्राई समर्स चल रहे हैं, दैट इज व्हाई ड्यू टू स्टैटिक एनर्जी हम जब किसी भी चीज को टच कर रहे हैं ना तो हमें एक करंट टाइप का लगता है। ऐसे ड्राई समर्स में स्किन का ड्राई होना तो बनता है। ऐसे में मैं मॉइस्चराइजर्स और बॉडी लोशन तो बहुत लगा रही हूँ, बट उससे क्या होता है ना, मेरी स्किन इतनी ज्यादा हैवी फील करती है, तो मैं इसका यार कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रही थी बहुत टाइम से। इतना ढूंढने के बाद तब जाके मुझे मिला एक फेस और बॉडी मॉइस्चराइजर नहीं बल्कि सनस्क्रीन। चलो लेट्स सी हाउ दीज प्रोडक्ट्स परफॉर्म, और क्या ये सच में हाइड्रेटिंग है भी, तो वो हम चेक करेंगे। मेरे पास ना यहाँ पर हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन स्प्रे है जो कि फेस और बॉडी दोनों पर ही यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और ये प्रोडक्ट यार मैंने इतने सारे लोगों की रिकमेंडेशन पर लिया है ना, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। ये SPF 60 के साथ आता है, और गाइज इसकी ड्यूई फिनिश तो मतलब कमाल की है, और ये हाइब्रिड फॉर्मूला है, मतलब केमिकल और मिनरल सनस्क्रीन का परफेक्ट मिक्स है ये। अब इसके अंदर ना एलोवेरा जेल है जो कि स्किन को इतना ज्यादा सूद करता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है जिसकी वजह से स्किन पर ये बिल्कुल मुझे हैवी फील नहीं कराता है, और ट्रस्ट मी ये इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग है। अब आप देख ही सकते हो, मैंने आपको अपने आर्म पर एक टेस्ट दिखाया है, एक साइड आप देख रहे हो कितना ड्राई लग रहा है, दूसरी साइड जैसे मैंने इसे अप्लाई किया एकदम से स्किन में शाइन ऐड हो गई है। क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हो बिफोर और आफ्टर में, एंड ट्रस्ट मी यार सच में बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है। और हाँ, जिंक ऑक्साइड, ऑक्टोक्रायलोन एंड एवोबेंजोन के साथ ये UVA और UVB दोनों से ही बचाव करता है। और नेक्स्ट अब बारी आती है हाइड्रेटिंग क्रीम सनस्क्रीन की। ये जो हाइड्रेटिंग क्रीम सनस्क्रीन है ना, इसका SPF है 50+, और इसकी PA रेटिंग भी PA++++ है, मतलब जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन है इसके अंदर, और हाइलोरोनिक एसिड भी है जो मॉइस्चर को लॉक करता है फॉर दैट रेडिएंट ग्लो। क्लियरली सी, मैंने आपको एक कंपैरिजन टाइप का दिखाया है। यहाँ पर धूप में मैंने इस सनस्क्रीन को ना अपने फेस की राइट हैंड साइड पर अप्लाई किया है, और लेफ्ट साइड पर यू कैन सी कि आपको बहुत मतलब ना डिफरेंस नजर आ रहा होगा दोनों साइड पे, जहां पर मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है और जहां पर नहीं लगा रखी है। कि बेनिफिट्स तो यार इतने हैं, एक तो इसके अंदर पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है जो कि सन डैमेज से ना फाइट करता है, और इसके अंदर ना विटामिन B5 है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सो नो गिल्टी फीलिंग्स वाइल यूजिंग इट। मतलब आप ना इससे रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं करोगे जब आप इसे यूज करोगे। तो फाइनली यार दोनों ही प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के बाद ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। चीज तो मैं बताना भूल गई भाई, दोनों प्रोडक्ट्स ना नॉन ग्रीजी है, मतलब बिल्कुल वो चिपचिप वाली काइंड ऑफ सनस्क्रीन ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हाइड्रेशन में कोई कमी नहीं है, हाइड्रेशन इसके अंदर भर भर के आपको मिलने वाला है, तो स्किन में जल्दी अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं। और वो जो एक दूसरी प्रॉब्लम होती है ना सनस्क्रीन में, बहुत बड़ा मुद्दा होता है व्हाइट कास्ट का, ये व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। एक मेन बात मैं और आपको बता दूं कि आपको पता है सनस्कूप इज द फर्स्ट एंड ओनली ब्रांड इन इंडिया डेडिकेटेड टू सनस्क्रीन। इस ड्राई सीजन में अगर आप वाकई में कोई बेस्ट और एक अच्छा रिलायबल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो ना, तो आई थिंक आप सनस्कूप को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आई थिंक मैंने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है इस सनस्क्रीन के रिगार्डिंग। ड्राई सीजन में मेरा जो फेस और स्किन का पूरा मसला था ना, वो तो इसने सॉल्व कर दिया, आई तो जस्ट लव्ड इट। एंड तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, एंड वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। नाउ स्टे हाइड्रेटेड एंड बाय बाय।